हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी का क्लास सिक्स के लिए चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक ये देख लिया है कि कैसे कैसे गांव विकसित हुए, आरंभिक नगर कैसे विकसित हुए, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को या फिर पुरातत्व लोगों को किस तरीके से उसके प्रमाण मिले, और कैसे कैसे लोग उस समय रहते थे, कैसे कैसे चीज़ों का उपयोग करते थे, उन लोगों के जो प्रमाण मिले वहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि लोगों ने अब रहना शुरू कर लिया था। और अब हम लोग उसके बाद अगर आगे चले तो हमको जो वहाँ से कब्रें मिली उस समय पर, या फिर जो हमको किताबें मिली उन किताबों का उपयोग करके जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जो हमारे पुरातत्व लोग हैं या हमारे जो इतिहासकार लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से इन चीज़ों को हमारे सामने लाया और हमारे जो अतीत है उनको पता लगाने में हमारी मदद की। तो जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे तो उसका जो नाम है वो है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो ये एक बहुत खूबसूरत सी बच्ची आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बच्ची स्कूल में पढ़ रही होती है, वैसे ही क्या होता है, स्कूल की घंटी बजती है और छात्रों के साथ पूरे बच्चों को एक पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी दिखाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही इन लोग पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी किताबें रखी होती है, बड़ी बड़ी अलमारियों में बहुत सारी किताबें वहाँ पर जमी होती है। तो वहाँ पर एक बच्ची, जैसे कि ये जो बच्ची है वो एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है, तो उसको देखकर शिक्षक उन्हें कहता है उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें रखी है, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है, जो ये इसका नाम है वो है मैरी। तो मैरी सोचने लगती है वेद क्या है, तो चलो पता लगाते हैं हम लोग वेद क्या है, कैसे हमारी जो पुरानी किताबें हैं और वो किताबें हमको क्या बताती है, वो किताबें हमारी संस्कृति को किस तरीके से हमको याद दिलाती है, उन सब चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में मतलब चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो लगभग आप लोगों का एक स्टोरी बनते हुए चल रही है कि कैसे कैसे लोग आए, लोगों ने अपने रहने की जगह, खाने की जगह और उन खाने को रखने की जगह किस तरीके से वहाँ पर खोजे। ठीक है, तो उसके लिए सीधा सीधा हम लोग चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, ठीक है, शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे चार वेद हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कौन सा वेद है, शृंग वेद, दूसरा है साम वेद, तीसरा है यजुर्वेद और हमारा चौथा है अथर्व वेद। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितने वेद हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे कितने वेद हैं। ओके, उसके बाद आपको याद कर लेना श्रम वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, श्रमवेद है, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले हुई है, मतलब 2000 हमारा मुख्य बिंदु है, मतलब 2000 से 3500 साल पहले हुई है। श्रमवेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें स्कूत कहा जाता है। ठीक है, स्कूत का मतलब अच्छी तरह से बोला गया या विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको पता है तीन श्रमवेद हैं, जिसमें सबसे पुरानी कौन सी है, हमारी श्रमवेद है, उसमें तीन मुख्य देवता है जिनमें से आपको पता होनी चाहिए कि पहला अग्नि है ना, उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो इंद्र है और हमारा जो तीसरा है वो क्या है, सोम है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो जैसे हम लोग आगे चलेंगे कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सरस्वर पाठ द्वारा कठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों ने रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। श्रमवेद की भाषा प्रांत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो या पढ़ती हो उसे यह थोड़ी भिन्न है। तो अभी हम लोग जो कक्षाओं में संस्कृत पढ़ते हैं ये उन संस्कृत से काफ़ी भिन्न हुआ करती थी। अब हम लोग थोड़ा संस्कृत और जो अन्य भाषा है उसके बारे में भी समझ लेते हैं।
तो वो भाषा को समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि भारत में अभी कुल कितनी भाषाएं हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए और उसी के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम लोग 2011 के मुताबिक देखें तो 121 भाषाएं हैं, जो कि अगर हम लोग 121 में से जो हमारी 22 भाषाएं हैं वो हमारी क्या है, 8th शेड्यूल के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, ठीक है। तो उसके बाद संस्कृत भाषा भारतीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ्रांसीसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवारों से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द जैसे उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में हम कहते हैं, माँ हम किसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं, और मदर अंग्रेजी के शब्द को आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे चले तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? तो आप लोग देख सकते हो कि तीनों ही भाषाओं में जो माँ के लिए उपयोग किया गया शब्द है, और माँ के बारे में तो क्या बोला जाए, माँ तो माँ है, फिर तो माँ के लिए आप देख सकते हो अगर आप संस्कृत की बात करें तो मातृ बोला जाता है, उसके बाद अगर आप हिंदी के लिए माँ और मदर, तो तीनों ही अक्षर म से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो पूर्वांचल प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो आप भाषाओं का प्रयोग करते हैं वो भाषा किन परिवारों से जुड़ी है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आप भारत में रहते हो तो आपको बताना है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, तो भी आप लोग इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करें कि भारत में कितनी विभिन्न प्रकारों की भाषाएं हैं और उन विविधताओं से हमारा भारत कितना खूबसूरत बन जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। श्रवणवेद को उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, ठीक है। तो जो श्रवणवेद है उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि हम लोग इसको पढ़ते थे, ठीक है। रचना के लिए कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो ये जो भाषाएं हैं, ये जो हमारे खूबसूरत संस्कृति के वेद हैं, इनको छापने का जो काम है वो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो इतिहासकार श्रवणवेद का अध्ययन कैसा करते थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़ने और समझने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि जो हमारा श्रवणवेद है वो उसका जो इतिहासकार लोग उसकी स्टडी किस तरह से करते थे। तो इतिहासकार पुरातत्वविदों जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि श्रवणवेद का अध्ययन कैसा करते थे। तो श्रवणवेद के कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त को अंश है। तो जैसे कि आप लोग को बताना है कि इन दोनों नदियां मतलब व्यास और सतलुज नदी हमारे मैप में कहां पर बहती है। मैं आपसे एक आह्वान ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग ऑक्सफोर्ड का एटलास जो कि रेड कलर में आता है वो ज़रूर खरीद ले, क्योंकि होता है कि समय के हिसाब से हम लोगों को या जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है या जो हमारे पुरातत्व है उनको कई चीज़ें मिलती हैं, तो आपको मैप में पता होनी चाहिए कि वो चीज़ें कहाँ से मिली हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये पांडुलिपि है। श्रवणवेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। तो ये जो पांडुलिपि है ये कहाँ पर पाई गई है, कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले श्रवणवेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ।
यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो आप लोगों को यह सर्च करना है कि पुणे के किस पुस्तकालय में यह श्रमवेद की ओरिजिनल कॉपी यानी के पांडुलिपि रखी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें श्रमवेद की कुछ कहानियों या फिर कुछ हम क्या बोल सकते हैं उसको कुछ प्रार्थना को, तो वो कुछ इस तरीके से होती थी, जैसे कि विश्वामित्र और नदियाँ, ये कुछ प्रार्थनाएं हैं जो कि श्रमवेद में या हमारे वेदों पे या हमारी संस्कृति पे लिखी गई है। तो विश्वामित्र में एक क्या बोल सकते हो कि प्रार्थना है, ये प्रार्थना देखो क्या है। हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल के परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर अगर हम लोग नदियों को पढ़े तो जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकले हम पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। और विश्वामित्र को अगर हम लोग देखें तो हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धूरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब कुछ सुरक्षित पर जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ नदियाँ बहती हैं। यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरत खूबसूरत प्रार्थना है वहाँ पर लिखी गई है नेचर के ऊपर, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि इस जो हमारी श्रम वेद है या ये वेदों को कोई भी लोग पढ़ेंगे तो उनको कितनी शांति मिलेंगी, क्योंकि प्रकृति के बारे में इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें इन वेदों पर लिखी गई है। तो जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, तो क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के कारण बताओ और प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो खूबसूरत प्रार्थनाएं हैं इनको एक बार पढ़े और हमको बताएं उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और उसी के साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे चले तो श्रमवेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों खासकर जैसे कि सरस्वती नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है श्रमवेद में। तो हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जो सहायक नदी होती है वो नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उन नदियों को हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो उच्चारण है या फिर जिक्र है वो हमारे श्रमवेद में हुआ है। तो श्रमवेद में मवेशियाँ, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसे हमने अभी नदियों के लिए है ना, हमने कैसे नदियों के लिए और बहुत सारी जो श्रमवेद में प्रार्थनाएं लिखे हैं उनको पढ़े, तो वैसे ही श्रमवेद में मवेशियाँ, बच्चों और घोड़ों के लिए भी बहुत सारी प्रार्थनाएँ लिखी गई है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी होती थी और अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर से जल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लड़ाइयाँ हो वो लड़ाइयाँ किसी राज्य को स्थापित या राज्य को जीतने के लिए हो, कुछ लड़ाइयाँ इन सब चीज़ों के लिए भी की जाती थी, ठीक है, जैसे कि प्राणी के स्रोतों और भी जो लोगों को बंदी बनाने के लिए ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। जैसे हम लोग आगे चले तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बाँट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी।
तो अगर हम लोग आगे चले तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, जो कि चीज़ें आज भी आप लोगों को देखने के मिलेंगी कि जब बड़े बड़े देश, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे पूरे विश्व में G20 सम्मेलन चल रहा है, जिसका इस बार जो प्रेसिडेंसी है वो भारत कर रहा है, तो उस समय भी ऐसे ही वहाँ पर लोग मिलते थे, जुलते थे और शांति के बारे में बात करते थे, युद्ध के बारे में बात करते थे, जो चीज़ें आज भी मिलजुल कर हो रही है। उसके अगर हम लोग चले, यहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, और ये हमेशा से ही चला आ रहा है। जो लोग योद्धा होते हैं, जो लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, उन लोगों को ही इन सब चीज़ों के लिए चुना जाता था। अगर हम लोग आगे चले तो लोगों की विशेषताओं बताने वाले शब्द, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। अगर हम लोग श्रमवेद की बात करें तो लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, ये तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। ये प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही शासक बन जाता था, जो कि बहुत समय से चले आ रहा है कि जो राजा होता था उसी का जो बेटा होता था वो शासक बन जाता था, या फिर उसके राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था, है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो आप लोगों को पिछड़ा वाला चीज़ें को एक और बार पढ़ना है और आपको बताना है कि राजा क्या किया करते थे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जब ये वीडियो देखते हो उसके बाद किताब को उठाकर एक बार रिवाइज ज़रूर कर ले, क्योंकि जब तक आप लोग चीज़ों को फिर बार बार दोहराओगे नहीं तो चीज़ें आपके मस्तिष्क में नहीं जाएंगी। अगर आप लोग लगातार पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी और आपको प्रीलिम्स और उसी के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी मदद मिलेंगी। अगर हम लोग आगे चले तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसका वैश्य शब्द से निकलता है। इस विषय में हम लोग 5 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग श्रमवेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विशु, यदु जन या विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। अगर हम लोग आगे चले तो आपको एक क्वेश्चन है, तुम्हें इनमें से कोई नाम से जाना पहचाना लगता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले, इनमें से कई नाम आज भी हमको जाने पहचाने लगते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय के साथ समय में दास, और अगर स्त्रीलिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो दासी शब्द का गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक या जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अगर हम लोग आगे चले, जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी में श्रमवेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर तरह तरह के विकास हो रहा था। देखो क्या क्या हो रहा था। तो जिस समय श्रमवेद लिखा जा रहा था उसी समय विभिन्न प्रकारों में बहुत सारे जगहों पर विस्तार हो रहे थे, तो आपको पता करना है कि उस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी। ओके, तो अगर अभी हम लोग आगे चले तो खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों के अगले पृष्ठ के चित्र को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम समझ सकते हैं कि पत्थर जो पुरातत्व लोग हैं या फिर इतिहासकार लोग हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, उन लोगों को कहीं कहीं पर ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि देखो ये पत्थर कितने प्रॉपरली जमे हुए हैं। आप लोग समझ सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब क्या होता है, बड़ा, पाषाण पत्थर,
नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाणों में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीरी में प्रचलित थी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आज ही कब्रों का उपयोग करते हैं। लगभग आज से 3000 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी और कश्मीरी में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रचलित पुरास्थल मानचित्र थ्रू में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते थे तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कितने खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। देखिए ना, कितने खूबसूरत प्रकार से ये सजाए गए हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसे कर्मबद्ध करो और कार्यों की सूची बनाई है उन्हें कर्मबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोक कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्मों की कब्रों के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोनों के गहने। तो क्या होता था कि उस समय जो भी पुरातत्वविदों को कब्रें मिली, उन कब्रों के पास से वहाँ की जिस शख्स को गड़ाया गया है उसी के साथ कुछ सामान भी मिला करते थे, जैसे कि औजार, हथियार, घोड़ों के भी कंकाल और साथ में पत्थर और सोनों के गहने भी मिले हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि लोग उस समय जब कब्र बना रहे थे तो उन कब्रों के साथ उनके सामान को भी डाल देते थे। और हमने इसके पहले चैप्टर में ही पढ़ा है कि किस तरीके से लोगों के बाजू कब्र के चीज़ों से कई चीज़ें मिली है, क्योंकि लोगों की आस्था थी कि मरने के बाद भी एक जीवन संभव है। ठीक है, तो ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत संवादन शिष्ट कहा जाता है। या दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल बड़ा सुर्ख है, जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, और अगर होता था तो आपको बताना है कि अभी सबसे ज़्यादा भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान बाई ओर अगर हम लोग देखें तो घोड़ों के लिए सामान नीचे बाई ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार आपको यहाँ पर मिली है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा, है ना। अगर आपको मैं नहीं बताता तो आप समझते ये क्या चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली है। अगर हम लोग आगे चले तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान मरता था उसके हिसाब से उसके साथ उसके सामान गाड़ दिए जाते थे। अगर जो व्यक्ति है वो बहुत अमीर या बहुत पैसे वाला होगा तो उसके पास बहुत सारे चीज़ों को गड़ाया जाता होगा, और अगर कोई सामान्य इंसान मरता है तो वो उसके पास बहुत ही कम चीज़ों को गड़ाया गया होगा। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। अगर हम लोग आगे चले तो क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं एक ही साथ बहुत सारे कंकाल, जैसे कि यहाँ पर एक कब्र हो, यहाँ पर एक कब्र हो, यहाँ पर एक कब्र हो, कि शायद एक ही परिवार के लोगों एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। हो सकता है कभी कभी ऐसे ही होता है, अगर आप भी अभी कभी कब्रिस्तान में जाते हो तो किसी की कब्र होती है और फिर उसके परिवार के कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसी के आसपास अगर कब्र की जगह है तो उसको भी वहाँ पर दफनाया जाता है। तो पुरातत्वविदों को ऐसे ही उस समय भी कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे उन लोगों ने यह सोचे हैं कि क्या एक ही परिवार के लोगों को एक जगह पर
गड़ाया जाता था या फिर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों के चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। अगर हम लोग बात करें, जिसके पहले भी हम लोगों ने बात किए हैं, ईमान गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ईमान गांव को खोजो, हमको पता है यह भीमा, आप लोगों को भी एक बार जाना है और देखना है कि मानचित्र 2 में ईमान गांव कहां पर है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है जहां लगभग इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद वे खाना या फिर पानी पीते हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। कुछ आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच यह एक गांव से सबसे बड़े घरों में से एक था। इस गांव में अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। आप लोग समझ सकते हो कि जो चीज़ें मिली उससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि किस तरीके से वहाँ पर लोग रहते थे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती थी और उनके साथ क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो आपको बताना है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो अभी भी स्केलेटन पे बहुत सारे अध्ययन शुरू हैं और अध्ययन लगातार चलते रहते हैं। तो छोटे आकारों के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, है ना। एक बच्चे की और अगर हम लोग एक छोटी बच्ची की कब्र अगर हमको मिलती है तो हम बहुत ही उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है दोनों में। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो आपको बताना है कि क्या जो हमको अभी मिले हैं कंकाल, तो हम पहचान सकते हैं कि वह कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है। यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो हो सकता है कि वह जो कंकाल है वो महिला का माना जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस समय जो गहने हैं वो तो पुरुष भी पहनते थे, तो हो सकता है कि वे पुरुष का हो। पर ये समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है कि उसकी हड्डी की जांच है। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनके कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों से आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरम नाम प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम किताब लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हो। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर हम लोग बातें करें आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की, तो 206 हड्डियां होती है, जो कि उस हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो संभव चरक में अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़कर और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। आपके अनुसार क्या शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होंगी? या आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि जब तक आप लोग दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करोगे तो आपका ज्ञान सीमित रह जाएगा। और अगर आप लोग ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो लगभग 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनाए और इन ग्रुपों में इन सब क्वेश्चंस को लाओ और इन क्वेश्चंस के ऊपर जरूर डिस्कस करो। ईमान गांव के लोगों के काम धंधे क्या होते होंगे? ईमान गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबरा, चितकबरा, हिरन, कृष्णमुग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र में इसमें से कौन सा फल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रमाण पर आधारित ईमान गांव के लोगों
के काम धंधों की एक सूची बनाना है आपको, और उन सूची को अपने दोस्तों के साथ उस पर विचार करना है। आप एक कल्पना भी कर सकते हो कि तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा था और तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा। उसके बाद कुछ उपयोगी शब्द आज हम लोगों ने डिस्कस किए, तो इन शब्दों को देखकर आपको वहाँ की चीज़ें याद आ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा, बहुत ही आसान वाले शब्द हैं, पर भी आप इन शब्दों को ध्यान में रखें, और हो सके तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, चर्चा करते हो, करके देखते हो, तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से चीज़ मिल जाएंगी। तो वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर एक बार जरूर देखना है कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग आज से 3000 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, और इनाम गांव में कृषक का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले, चरक लगभग आज से 2000 साल पहले। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अगली वीडियो में अगले चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 5 के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले चैप्टर यानी कि राज और एक प्राचीन गणराज्य के ऊपर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।